मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ऊर्जा मंत्री के शर्मा पर मुख्य सचिव मौजूद। यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज भी बैठक में मौजूद। पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी शामिल। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक शुरू हुई है, क्या कुछ जानकारी? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे विवांशु से। बता दें, यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज भी बैठक में उपस्थित हुए हैं। पुलिस विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक शुरू हुई है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा प्रमुख सचिव मौजूद है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज भी बैठक में उपस्थित हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी शामिल हुए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक शुरू हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी मयूरी, आपको बता दें कि अगर देखें तो यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान है। साथ ही हड़ताल से निपटने के लिए आउटसोर्सिंग और संविदा में जो तमाम कर्मचारी हैं तैनात, उनमें 500 की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही आपको बताएं कि 72 घंटे की ये हड़ताल है, जिसमें अगर बात करें तो 35 घंटे हो गए हैं और इससे लगभग प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा कस्टमर बिजली कटौती से परेशान है। इस मामले को लेकर जहां बात की जाए तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं स्थिति को सही करने के लिए। साथ ही साथ जो संगठन विरोध कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, उनसे लगातार उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। साथ ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिजली की समस्याओं से निपटने के लिए हम बजाज पावर और साथ ही एनटीपीसी की मदद ले रहे हैं। वहीं अब इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान में लेते हुए एक बैठक उनके आवास पे हो रही है, जिसमें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव, साथ ही यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज सहित तमाम एक अफसर मौजूद हैं। इसमें बिजली की जो समस्या है और जो बिजली संविदा कर्मियों का जो आंदोलन है उसको खत्म करवाने के लिए, साथ ही साथ इस समस्या से निदान दिलाने के लिए बैठक की जा रही है। बैठक अभी चल रही है। बैठक की में देखने वाली बात ये होगी कि निर्देश क्या मिलता है और क्या मुख्यमंत्री का आदेश होता है। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए।